वैसे तो इंस्टाग्राम पर बहुत सारे इफेक्ट वायरल होते हैं, लेकिन ए वाला जब इफेक्ट बनाते हैं तो ये वीडियो आपको पता जरूर होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ब्लैक इफेक्ट बनाएंगे, उसके साथ साथ उसमें ग्लो भी लगाएंगे और उस वीडियो को 4K क्वालिटी में कन्वर्ट भी करेंगे। तो यदि आप इसको अपलोड करोगे तो आपकी रील्स वायरल होगी। चलो इसको कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए आपको दो ऐप की जरूरत पड़ेगी, पहला एलाइट मोशन, दूसरा आपको एक और ऐप है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आपको अपना एलाइट मोशन ओपन कर लेना है, मैंने यहाँ पर अपना ओपन कर लिया है, प्रेस आइकन पर क्लिक करना है, अपना सेटिंग कर लेना, यहाँ पर 1080p 30fps पर क्लिक करके आपको अपना वीडियो ले लेना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो लेके रखा है और अपने वीडियो को यहाँ पर जूम भी कर लिया है पूरा, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपना जो वीडियो पूरा जूम कर लेना है, इसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर ए रेक्टेंगल आपको ले लेना है, और इसके बाद यहाँ पर जाना इफेक्ट पर, इफेक्ट पर जाकर एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉपी बैकग्राउंड सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप सर्च करो वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर सर्च कर लेना कॉपी बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपको ऊपर देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, फिर आप एक्सटेंशन में आपको क्लिक कर देना है, इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको एक्सपोजर सर्च कर लेना है, जो भी आप सर्च करते हो वो बाद में एक बार यूज करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। इस पर चले जाते हैं, इस पर आपको जो यहाँ पर एक्सपोजर होगा इसको पूरा फुल बढ़ा देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो गामा आपको देखने को मिलेगा इसको आपको कम कर देना है, इसको कर देना है 0.200, तो मैंने इसको 0.200 कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑफसेट देखने को मिलता है, तो इस ऑफसेट को आपको थोड़ा बड़ा करके 0.14 कर देना है, ठीक है। इसके बाद इस पर क्लिक कर देना तो बैक हो जाएगा, फिर से इसी पर चले जाना है आपको, और आपको यहाँ पर सैचुरेशन जो होगा आपको उसको ऐड कर लेना है, तो मैंने सैचुरेशन को ऐड कर लिया, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो सैचुरेशन होगी इसको पूरा आपको बढ़ा देना है, ठीक है। जितने दोनों रहेंगे नीचे का वाइब्रेंस को भी आपको पूरा बढ़ा देना है, ठीक है। फिर इस पर क्लिक कर देना, फिर से आपको एड इफेक्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप सर्च कर लेना गोसियन ब्लर, तो मैंने गोसियन ब्लर को ऐड कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर इसको आपको कितना कर देना है, तो यहाँ पर इसको आपको पूरा इसको जितना होता है उतना बढ़ा देना है, ठीक है। तो मैंने इसको पूरा बढ़ा दिया, फिर इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से एड इफेक्ट पर क्लिक करना है, और आपको हॉट कलर ऐड कर लेना है, तो यहाँ पर कलर लाइट पर जाओगे तो आपको हॉट कलर मिल जाता है, तो मैंने हॉट कलर ऐड कर लिया, एक्सटेंशन पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर जाना, यहाँ पर ए लाइन होगी, इसको आपको ऐसा बड़ा कर देना है, इतना कर देना है, ठीक है, इतना। और यहाँ पर ए जो वन लाइन मिलेगी ए वाली, इसको आपको यहाँ पर एलो पर कर देना है, ताकि हमारा जो यहाँ पर जो इसका आएगा वो एलो आएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर एलो कर देता हूँ, मैंने इतना कर दिया, तो देखो यहाँ पर एलो आ जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना, इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, इसे बैक कर देना, यहाँ पर एड सेम लिखा होगा इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर जो साइज होगा इसको आपको 200 से ज़्यादा कर देना है, इतना। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे रेडियस देखने को मिलता है, तो इसको आपको इतना कर देना है 100 तक, ठीक है, इतना कर देना है। इसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर चले जाए ब्लेंड एंड ओपेसिटी पर, यहाँ पर आपको लाइटन पर क्लिक करना है, ब्लेंड पर क्लिक कर देना, ठीक है। इसको यहाँ से करके यहाँ पर इतना, यहाँ पर ऐसे करना, यहाँ से उंगली से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसके यहाँ से बैक कर देना, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देना है, जैसे आप बढ़ाओगे तो उतना आपको, जितना आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको ग्लो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इतना बढ़ा दिया ताकि हमारे यहाँ पर इतना ग्लो रहे। एंड इसके बाद आपको जो आपका रेक्टेंगल मिलेगा इसको आपको पूरा बड़ा कर लेना है वीडियो तक, ठीक है। तो मैंने इतना वीडियो तक कर लिया है। इसके बाद आपको जो अपना वीडियो है इस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हम बनाएंगे ब्लैक इफेक्ट, तो इफेक्ट पर आपको चले जाना है, यहाँ पर ऐड कर देना है एड में, और यहाँ पर आपको एक्सपोजर को ऐड कर लेना है, मैंने एक्सपोजर को ऐड कर लिया है। यहाँ पर जो एक्सपोजर आपको 0.50 कर देना है, तो मैंने इसे 50 कर दिया। यहाँ पर नीचे आपको गामा मिलता है, इसको गामा को आपको 0.700 आपको यहाँ पर कर देना है। इसके बाद इस पर क्लिक कर देना, फिर से एड इफेक्ट पर जाना, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है सैचुरेशन, तो सैचुरेशन को मैंने ऐड कर लिया, इस पर क्लिक कर देना है, सैचुरेशन को आपको 50% बढ़ा देना है। इसके बाद फिर से इस पर क्लिक कर देना, इसके बाद फिर से ऐड इफेक्ट पर चले जाना, और यहाँ पर शार्पन को आपको ऐड कर लेना है। पहले आप शार्पन लिखोगे SHARPEN तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपको फर्स्ट वाला ही करना है, सेकेंड वाला मत करना, जो दूसरे और ऐड हुए हैं वो मत करना। तो फर्स्ट वाला इस पर क्लिक करना है, इसको ऐड कर लेना, मैंने इसको ऐड कर लिया, इस पर आपको चले जाना है। यहाँ पर जो शार्पन होगा इसको आपको कम कर देना है, इसको कर देना है 0.30, ठीक है, इतना कर देना। इस पर चले जाना, फिर से एड इफेक्ट पर क्लिक करना, और आपको स्पॉट कलर को सर्च कर लेना, वहाँ पर इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्पॉट कलर को ऐड कर लिया, इस पर चले जाना, आपको थर्ड स्ट्रिंग होगा इसको पूरा 200 कर देना है, और यहाँ पर जो फेदर होगा इसको 50 कर देना बढ़ाकर, ठीक है। और नीचे आना, यहाँ पर चौक मिलेगा लास्ट में, तो इसको कम कर देना है, 1.80 कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको 1.80 कर देता हूँ कम कर, तो इतना हो गया, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना फिर से, फिर इसके बाद आपको फिर से एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, आपको सिंपल स्टार फील्ड आपको सर्च कर लेना है, उसको ऐड कर लेना है। तो मैंने सिंपल स्टार फील्ड सर्च कर लिया, इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जाकर आपको एक जो की फ्रेम लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद लास्ट में आ जाना है, लास्ट में आकर आपको उसको 2000 तक बढ़ा देना है। तो मैंने इसको 2000 तक बढ़ा दिया है, ठीक है। इसमें आपको स्किन देखने को मिलता है नीचे, तो इसको आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, 1.15 कर देना है। और नीचे आपको साइज मिलता है, तो साइज को आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है, 1.175 कर देना है, ठीक है। तो 1.175 में इतना कर देता हूँ, 1.70 कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना, कलर मिलेगा, कलर को आपको ए वाला जो इनो है डार्क ब्लू, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, ताकि हमारा अच्छा लगने लगा। और यहाँ पर आपको पीछे नीचे आना, तो अमाउंट होगा इसको भी आपको कम कर देना है 20 तक, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा पहले आपको ब्लर वाला, तो गौसियन ब्लर आपको ऐड कर लेना। तो यहाँ पर ब्लर पर जाना, गौसियन ब्लर आपको इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, इस पर चले जाना आपको, इस पर जाकर आपको फर्स्ट में एक ही फ्रेम लगाना, यहाँ पर इसको जो 500 कर देना पूरा। ठीक है, इतना मैं यहाँ पर कर देता हूँ 500। और इसके बाद आपको फिर से थोड़ा सा आगे जाना, यहाँ पर एक ही फ्रेम लगा देना, इसके आगे जाना थोड़ा सा और यहाँ पर भी इसको की फ्रेम लगा देना। ठीक है, और इसके थोड़ा सा आगे जाना 1 सेकंड के बाद पूरा, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर कम कर देना है पूरा। ठीक है, पूरा कम कर देना है यहाँ पर, तो मैंने इतना कर दिया। इस पर चले जाने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है, और यहाँ पर आपको फिर से एक ऐड करना है। देखो यहाँ पर सिंपल स्टाफिंग जो मैंने अभी लगाया था, इसको आपको नीचे कर देना ऐसे। ठीक है, इसके बाद फिर से ऐड करना है ऐड इफेक्ट पर, और यहाँ पर आपको जो होगा एक ऐड कर लेना है, वो क्या बोलते हैं, लाइन स्टिक। तो लाइन स्टिक आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर चले जाना, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर आना फर्स्ट में, और यहाँ पर आकर आपको यहाँ पर एक कम कर देना है। ठीक है, जितना आपको यहाँ पर दिखता है इतना पर बहुत ज़्यादा है, तो आपको उसको 6 या 7 कर देना है। तो मैंने 7 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा आगे आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद फिर से इसको यहाँ पर की फ्रेम लगा देना है, और फिर से आगे आना है इतना तक, फिर से की फ्रेम लगा देना, और जहाँ तक आपने गौसियन में की फ्रेम लगाया था वहाँ तक आपने की फ्रेम लगा देना है। ठीक है, इसके बाद जहाँ पर एक की फ्रेम और लगाया था आपने, वहाँ पर आना, वहाँ पर की फ्रेम लगाकर इसको पूरा कम कर देना। ठीक है, तो आपको ऐसा इतना कुछ कर लेना है, फिर देखो आपका जो ब्लर है कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ब्लर एक बार दिखा देता हूँ कैसा हमारा बन रहा है। तो देखो कुछ ऐसा हमारे यहाँ पे ब्लर आ रहा है। ठीक है, तो ब्लर परफेक्टली बन चुका है। यदि आपको लगता है कि मेरा ब्लर कुछ ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, तो गौसियन ब्लर पर जाना, जहाँ जहाँ पर आपको की फ्रेम लगा है वहाँ पर की फ्रेम को आपको थोड़ा सा कम कर देना। जैसे मैं यहाँ पर 500 रखता हूँ, आगे वाले को थोड़ा और कम कर देता हूँ। तो मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है। देखो अपने जो है यहाँ पर ब्लर है कुछ इस तरह से लग रहा है। ठीक है, तो अपना बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर किसी भी चीज़ की ऐसा नहीं लग रहा कि ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद आपको जो वीडियो है वो उसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक चीज़ अब मैं भूल गया, फिर से इसी पर चले जाना, और यहाँ इफेक्ट पर चले जाना, और यहाँ पर टाइल्स को आपको ऐड कर लेना है। टाइल्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उसमें वही क्लाइंस बनी आ जाती हैं लास्ट में, वो नहीं आएंगी। तो मैंने यहाँ पर जो टील से इसको ऐड कर लिया है, यहाँ पर जाकर आपको उसको जो मिरर होगा इसको ऑन कर देना है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपको उसको अपना जो वीडियो है इस पर क्लिक करना, इस पर यहाँ पर ऊपर साइड में इस पर क्लिक करना, इसको देख लेना है, पूरा हाई होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको सब देख रहा मिल जाएगा, फ्रेम रेट यहाँ पर जो फॉलो होना चाहिए इतना, इसको हाई कर देना पूरा, एक्सपोर्ट कर लेना। तो आपका जो वीडियो का एक्सपोर्ट हो जाएगा, इसके बाद हम इसको 4K क्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे अच्छी क्वालिटी में, ताकि हमारा वीडियो और अच्छा तक नहीं लगे। तो इसके लिए हमें एक ऐप की जरूरत पड़ेगी, वो है ईपीको। तो मैंने यहाँ पर अपना जो वीडियो वो सेव कर लिया है। इसके बाद आपको चले जाना ईपीको ऐप पर। तो ईपीको ऐप ए रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। प्लस आइकन पर आपको क्लिक करना, ओपन कर लेना है, प्लस आइकन पर क्लिक करना, आपने जो वीडियो अभी एक्सपोर्ट किया था उसको आपको यहाँ पर ले लेना, जो वीडियो आपने लाइटमोशन से एक्सपोर्ट किया है। यहाँ पर मेरा वीडियो देखते हैं कौन सा ए वाला है। ठीक, तो मैंने यहाँ पर ए वाला ले लिया। इसके बाद नीचे आना, एडजस्ट पर क्लिक करना, एडजस्ट पर यहाँ पर आपको शार्पन देखने को मिलेगा, इसको आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, यहाँ पर कर देना है 50 के करीब। ठीक है, आपको उसको 50 कर देना है इतना। इसके बाद राइट पर क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पर मिलेगा स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को आपको पूरा ऐसा बढ़ा देना है। ठीक है, तो हम जैसे स्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं तो हमारे यहाँ पर देखो वीडियो किस तरह से और अच्छी क्वालिटी में आ गया है। देखो अपना पहले ऐसा था। ठीक है, इसके बाद हम ऐसा करेंगे इसको पूरा, तो देखो कितनी अच्छी क्वालिटी हो जाती है। इस तरह से आप इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद सेव पर आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर सेव हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय श्री राम।